मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? दोस्तों आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको तबले पर एक सदाबहार कैरवा ताल का ठेका बता रहा हूँ, जिसको आप कई गानों में बजा सकते हैं बड़े आसान तरीके से दोस्तों। और बहुत ही अच्छा पैटर्न है और आपको बहुत अच्छा लगेगा ये पैटर्न। जब आप इसको तैयार कर लेंगे, इसका रियाज करके आप इसको बजाएंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा दोस्तों। तो इसके बोल आप नोट कर लीजिए। इसके बोल हैं धा धाती ता धाती, धा धाती ता धाती। बहुत अच्छा प्रकार है, इसको आप बजाएं अपने प्रोग्राम्स में, इसको बजा सकते हैं आप लाइव प्रोग्राम्स में और बहुत अच्छा लगता है ये। और जब आप इसको बजाएंगे तो जो लोग प्रोग्राम आपका सुन रहे होंगे उनको बहुत आनंद आएगा और वो खड़े होकर डांस करना शुरू कर देंगे। इतना अच्छा पैटर्न है दोस्तों ये। धा धाती ता धाती, धा धाती ता धाती, यह बोल है दोस्तों। इसको आप नोट कर लीजिए, धा धाती ता धाती। इसको अपनी नोटबुक में आप लिख सकते हैं। अब दोस्तों इस पैटर्न को बजाने का तरीका देखते हैं कैसे हम इसको बजाएंगे। धा आपको बजाना आता ही है, एक बार दोबारा से, क्योंकि कई लोग नए आएंगे तो उनको हो सकता है समझ में ना आए, तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ ता कैसे बजाएंगे। ये फिंगर हमारा रहेगा स्याही के बॉर्डर पर, मिडल फिंगर उठा रहेगा फर्स्ट फिंगर से इधर किनार पर ता, और ता के साथ हम इधर बेस बजाएंगे मिलाकर धा। बोल है हमारा धा धाती, पहले इतना सीखते हैं। धा धाती, धा धा ती बजाएंगे खुला, फर्स्ट फिंगर से स्याही पर खुला ऐसे आघात करेंगे, खुला साउंड आना चाहिए ती। धा धाती, उसके आगे है ता धाती, धा धाती ता धाती, धा धाती ता धाती, धा धाती ता धाती। ती स्याही पर खुला ही बजेगा, जहां जहां पर ती आ रहा है वहां पर आप खुला आघात करें। धा तो दोस्तों हम इसमें सिंपल सिंपल बजा रहे हैं इसको, तो ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है। इसमें थोड़ा सा बेस का यूज करेंगे, इसमें घिस्सा लगाएंगे तो देखिए कितना अच्छा लगेगा। और इस पैटर्न को आप मीडियम स्पीड में और फास्ट स्पीड में बजा सकते हैं, ये स्लो स्पीड में नहीं बजेगा। कम स्पीड में इसको बजाएंगे तो उतना अच्छा आपको नहीं लगेगा, आप इसको मीडियम स्पीड में और फास्ट स्पीड में ही बजाएं। देखिए लास्ट में धा पर घिस्सा लगाना है, शुरुआत में नहीं लगाना है। इस बोल को बजाना है, अब इसको थोड़ा सा फास्ट करके देखते हैं। इस पैटर्न को आप और भी ज्यादा फास्ट कर सकते हैं। एक बात और मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं कि आप जब भी पैटर्न का अभ्यास करें, कुछ भी बोल बजाएं, तो उसको मुंह से जरूर पढ़ें। दोस्तों यह पैटर्न है, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, हमारे चैनल पर और भी कई सारे लेसन्स हैं दोस्तों, आप उन सारी वीडियोस को वॉच करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।